आदरणीय खड़गे साहब, मैम सोनिया गांधी जी, सुखदेव थोराज जी, चेतन शिंदे जी, देन कॉमरेड येचुरी एंड टू टेक अ लिबर्टी कॉमरेड बालू, थैंक यू वेरी मच. देयर इज अ लॉट टू से बट आई नो वी हैव लिमिटेड टाइम. आई बिगिन विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. खड़गे साहब एलओपी बन के आए. एलओपी बनने से पहले आए, राज्यसभा में एक दिन देखा मेरी सीट के पीछे वाली सीट पे एक सज्जन को मैंने धोती कुर्ते में, और धोती कुर्ते में लोग आजकल कम दिखते हैं, वो पौध ही लगभग खत्म हो गई है, तो मैंने उन्हें देखा. और फिर मेरे मन में भी था कि जब ये एलओपी बने तो कैसे मामला होगा. वन थिंग आई मस्ट टेल यू, मेनी ऑफ अस हु स्पीक अबाउट डेमोक्रेसी, इन आवर पर्सनल लाइव्स वी डोंट प्रैक्टिस डेमोक्रेसी in our everyday life. So when I met, went for the first time, वो 10 बजे एक मीटिंग होती है, पौने 10 बजे लीडर ऑफ पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रैटेजी की मीटिंग हम लोग कहते हैं उसको. इस व्यक्ति में मैंने एक खास चीज देखी जो मेरे अनुभव में नया था. ही वुड लिसन टू एवरी वन, एक एक व्यक्ति को. आमतौर पर मैंने एक परिपाटी देखी थी कि लोग अपनी बात रख देंगे, अब पंचों की राय अपनी जगह, खूंटा यही गड़ेगा. दिस इज समथिंग आई फाउंड फंडामेंटली डिफरेंट इन खड़गे साहब. सेकेंड, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिज लाइफ मच बिफोर दिस बुक केम, एंड आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस बुक, मेनी पीपल हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस, देयर आइडियाज अबाउट खड़गे जी, इंक्लूडिंग मैम सोनिया जी. बट वन थिंग विच इज कॉमन थ्रेड about everyone is his commitment to justice, equality, freedom, idea of freedom, and these are not merely academic commitment. It emanates from lived reality, from his experience of last 5 decades. 5 दशक बहुत बड़े होते हैं. और अगर मैं सच कहूं खड़गे साहब, तो आपकी जिंदगी की यात्रा और हमारे गणतंत्र की यात्रा काफी हद तक समानांतर है. इट्स पैरेलल लाइव्स. आई विल ट्रांसलेट दैट बालू सर. ऑलमोस्ट इट्स अ स्टोरी ऑफ पैरेलल लाइव्स बिटवीन योर जर्नी एंड द जर्नी ऑफ आवर रिपब्लिक. जो कष्ट हमारी रिपब्लिक में है, कुछ कष्ट आपको व्यक्तिगत भी हुए. आई हैव हार्डली सीन, कुछ उदाहरण मेरे समक्ष यहीं मंच पे हैं. जब आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लुट जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, उसमें बिटरनेस को अपने अंदर ना आने देना, ये सबके बूते की बात नहीं है. लोग छोटे नुकसान में नफरत की दुकान, नफरत का बाजार लेके बैठ जाते हैं. आपने तो बहुत नुकसान सह करके भी मोहब्बत की बातें आप करते रहे. वॉट एवर आई एम सेइंग टुडे, आई एम स्पीकिंग एज समवन हु हैज वर्कड विथ हिम इन लास्ट 3.5-4 years. One who has watched him as a politician much before I started personally interacting. And also I convey the message from my president Laluji and Deputy CM Bihar Tejaswi Ji. They know I'm here. So they also wanted me to share something on their behalf. Their goodwill and their idea or commitment with India Alliance. Sir, ek cheez aur kehna chahunga jo maine is kitab mein kai dafa dekhi, Gautam Buddha ka zikr. मैंने इस पर काम नहीं किया. एक दिन जयराम सर से मेरी बात हो रही थी लाइट ऑफ एशिया के दौरान. दो पॉलिटिशियंस ने बुद्धा को बहुत करीब से देखा, महसूस किया. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सब जानते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने, मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, मैं लेके आया था, मैं कोट नहीं करूंगा, उन्होंने कंपैशन के एलिमेंट को सेंटर स्टेज किया. अंबेडकर ने इमेंसिपेशन के कॉन्सेप्ट को सेंटर स्टेज किया, और आप दोनों के बीच में पुल बना रहे हैं, कंपैशन एंड इमेंसिपेशन. मैं समझता हूं कि ये आज के वक्त की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कंपैशन और इमेंसिपेशन के बीच बुद्धा के माध्यम से अंबेडकरवादी सोच और नेहरूवियन थॉट के बीच में भी एक रिश्ता प्रगाढ़ होना चाहिए, और वो रिश्ता आपके रहते रहते ही होगा. हम में से अधिकांश लोग
गाना गाते रहे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, आपने तो इसको जिया है। मैं जानता हूं एक और चीज, एक दिन कोई सर के सामने, खरगे सर के सामने इनकी बहुत तारीफ कर रहा था, तो इन्होंने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मैं चूंकि अकेजन ये नहीं था, तो मैं फिर भी एक चीज कहूंगा, और वो चीज इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, व्हाट मेक्स हिम वेरी स्पेशल। आप इनको देख के लगता होगा 80-82 साल के एक सज्जन हैं, सदन में जब ये खड़े होते हैं तो विपक्ष को बड़ी ताकत मिलती है, और आज के दिन में विपक्ष को ताकत की बहुत जरूरत है। यहां बहुत गणमान्य सज्जन हैं जिन सबको मैं देख पा रहा हूं हसरत भरी निगाहों से, क्योंकि 3 दिसंबर भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह करके, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने लिखा है इसमें कि देयर इज नो कल्मिनेशन येट, आई कैन वाउच फॉर इट्स कल्मिनेशन, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ऊंचा होगा, देश के लिए, आपके लिए, हम जैसों के लिए, और इस सभागार में बैठे जितने लोग हैं उनके लिए। एंड आई मस्ट फिनिश दिस फॉर यू फ्रॉम नेहरू। बार बार नेहरू का जिक्र कर रहा हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेहरू कॉपी लेफ्ट है इस देश के, किसी का कॉपी राइट नहीं है, तो कॉपी लेफ्ट है। द डिस्टेंट माउंटेन्स सीम इजी ऑफ एक्सेस एंड क्लाइंबिंग, द टॉप बेकन्स, बट एज वन अप्रोचेस डिफिकल्टीज अपीयर, एंड द हाई ओर वन गोज द मोर लेबोरियस बिकम्स द जर्नी, एंड द समिट रिसीड्स इन टू द क्लाउड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, जय हिंद।